हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, दिस इज दिलीप यार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनसिक्योर अकेडमी। आज इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ रही हैं और सारी वैकेंसियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। होमगार्ड की 42,000 वैकेंसी इज कमिंग सून, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो ये सीधे हम पॉइंट पर चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं हम वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने ये दैनिक भास्कर का जो आपका न्यूज़ है आपके सामने देख सकते हैं। ओके, क्लियर आपको विजिबल है यहाँ पे जो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 45,000 वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की, जिसमें 45 पॉइंट नंबर उनकी बात करें तो 45,000 वैकेंसी। ओके, किसमें? टीचर में आ रही है। ओके, असिस्टेंट टीचर की, किसकी? असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी कितना? 45,000 वैकेंसी, जैसा कि आप न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। किसमें? बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की वैकेंसी 45,000। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं तो 8,000 जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक है। किसमें? 8,000 वैकेंसी। ओके, किसमें? अपर प्राइमरी की वैकेंसी आप देखने को मिल सकता है। किसमें? असिस्टेंट टीचर की, इसमें भी है टीचर की। ओके, दो चीज़ क्लियर हुआ। पहला आप देख सकते हैं 45,000 वैकेंसी असिस्टेंट टीचर की, किसमें आएगा? बेसिक शिक्षा विभाग में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर। 8,000 की वैकेंसी आपको अपर प्राइमरी लेवल में आएगा, और 3,500 किसमें आएगा आपका? 3,500 जो होगा हायर एजुकेशन में आएगा, एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में आएगा। किसका? आचार्य का पोस्ट है। कितना? 3,500 पोस्ट। ये रही सिर्फ और टीचर की वैकेंसी के बारे में जिस चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इतना सिर्फ है आपके टीचर की वैकेंसी के बारे में। 45,000 प्लस 8,000 प्लस 3,500 वैकेंसीज इज कमिंग सून फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पंचायती राज एंड होम गार्ड वैकेंसी ऑफ UPP एंड PSC USSF एंड मेनी मोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो किसकी बात करें हम? पंचायती राज के बारे में, तो 4,821 पोस्ट जो है पंचायती विभाग में है, पंचायत सहायक में 4,821 पोस्ट पंचायत सहायक। किसका? पंचायत सहायक का पोस्ट है। उसके बाद 421 पशु विभाग में पशु चिकित्सक का है। कितना? 421 पोस्ट किसका है? पशु चिकित्सक। ओके, इज दैट क्लियर? और 1,083 पोस्ट जो है प्रसार अधिकारी का है। 1,083 पोस्ट किसका? प्रसार अधिकारी। और किसमें? पशु में, पशुधन में। क्लियर? तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं 4,821 पोस्ट पंचायत सहायक की, 421 पोस्ट पशु चिकित्सक की, और 1,083 पोस्ट पशुधन प्रसार अधिकारी की आने वाली है। क्लियर? अब बात करते हैं हम जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात कर रहे हैं UPP में, होमगार्ड के बारे में। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी 42,000 वैकेंसी होमगार्ड की। किसकी? होमगार्ड। होमगार्ड की किसमें? UPP लेवल पे है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो 15,000 वैकेंसी किसकी आने वाली है?
15,000 वैकेंसी किसकी आएगी, इसमें PSC की आएगी, किसमें PAC UPSSF की आएगी, UPSSF एंड किसका आएगा, फायरमैन का, किसका, फायर सर्विसेज का सर्विसेज। ओके, तो ये सारी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और एक बात और कहें तो जो आपका UPP का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अभी बहुत जल्द कराने वाले हैं, तो फिलहाल अभी जुलाई में तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, क्योंकि एक महीने का टाइम तो ज़रूर ही देंगे, अगस्त के महीने में कह सकते हैं, फिर सितंबर में, अब इन दो महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा UPP का। डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। 42,000 पोस्ट जो है आपका होमगार्ड में आएगा, 15,000 पोस्ट आपको PSC UPSC UPSSF एंड फायर सर्विस में आएगा। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को उसके लायक बना सकते हैं किसी सर्विस के लिए, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम्स। ओके, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयार रहना होगा और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, जिससे आप एक पोस्ट को इसमें आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ मिलने वाला है नहीं है। ओके, तो यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, ओके, एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड। ओके, सो ऑल द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हेयर एंड वी आर गोइंग टू फिनिश आवर स्पीच हेयर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सेशन समाप्त कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज़।